दोस्तों Xiaomi इंडिया में अपना पहला लैपटॉप को लॉन्च करने जा रही है और इसकी लॉन्चिंग 11 जून को होगी। और एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Xiaomi के इस नए लैपटॉप में Xiaomi Redmi Book 13 का री ब्रांड वर्जन होगा, जिसे इंडिया में मी ब्रांड के तहत बेचा जाएगा। इसके अलावा Xiaomi इंडिया के हेड मनु कुमार जैन की ओर से पिछले हफ्ते ट्वीट में एक पोस्ट को शेयर किया गया था, जिसमें मनु कुमार जैन जिस लैपटॉप का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं उसे Xiaomi का मी लैपटॉप एयर कहा जा रहा है, जो कि जल्द ही मार्केट में दस्तक दे सकता है। अब जैसे कि अक्सर कंपनी की लॉन्च होने वाले डिवाइसेस का मनु कुमार जैन उपयोग करते हुए इससे पहले भी नजर आ चुके हैं, तो इससे अंदाजा लग जाता है कि मी लैपटॉप एयर जल्द ही इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक Xiaomi का लैपटॉप जो कि ब्रेजरलेस डिजाइन में होगा, जो कि इंटेल प्रोसेसर के साथ आएगा, और कंपनी ने कन्फर्म किया है कि उसका पहला लैपटॉप उसके रेडमी स्मार्टफोन की तरह ही बजट प्राइस में लॉन्च किए जाएंगे। साथ ही रेडमी बुक 13 की बात करें, जो कि पिछले साल दिसंबर में चाइना में करीब 44,000 रुपए के प्राइस में लॉन्च किया गया था, और इसमें इंटेल कोर i5 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। और वहीं इसके कोर i7 प्रोसेसर की बात करें, जो कि तकरीबन 54,000 रुपए के प्राइस में पेश किया गया था। साथ ही आपको यह भी बता दें कि Redmi Book 13 रीब्रांड बनकर इंडिया में मी लैपटॉप ईयर के तौर पे लॉन्च किए जाएंगे। इसके अलावा मी लैपटॉप ईयर की फीचर्स की बात करें तो इसमें 13.3 इंच की फुल HD प्लस का एंटी गियर डिस्प्ले है, और इसमें 10th जनरेशन का इंटेल कोर प्रोसेसर के साथ NVIDIA GeForce MX250 ग्राफिक्स और 8GB DDR4 RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही Xiaomi मी लैपटॉप एयर में थर्मल मैनेजर सिस्टम का इस्तेमाल किया है, और इसमें 6mm डायमीटर के साथ ड्यूल हीट पाइप का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और जो कि पिछले Redmi Book मॉडल के तरह ही इस नोटबुक मॉडल में भी मेटल बॉडी का इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा इसमें चिकलेट स्टाइल कीबोर्ड और DCS सराउंडिंग साउंड ऑडियो सिस्टम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मी लैपटॉप एयर में 40WHR सेल के साथ 65W का पावर अडाप्टर और 1C चार्जिंग का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, और वहीं लैपटॉप को 35 मिनट में 50% तक चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज में 11 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक देखने को मिलेगा। साथ ही कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो ये लैपटॉप विंडो 10 होम एडिशन के साथ 2 USB 3.1 का पोर्ट और 1 HDMI पोर्ट, इसके अलावा डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 और 3.5mm ऑडियो जैक जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये लैपटॉप इंडिया में 11 जून को लॉन्च किए जाएंगे। वहीं प्राइस की बात करें तो इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसकी प्राइस 40,000 से 50,000 रुपए के बीच में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।